फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट वार शुरू हो गया है। आपको बता दें, बड़े नेताओं से संबंध रखने वाले घटिया के एक युवा नेता गोविंद शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चेताया है। वहीं लिखा है कि कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें, निचले स्तर के नेताओं ने संगठन को ताक पर रख दिया है। जब पत्रकार द्वारा विरोध करने वाले भाजपा युवा नेता से इस संबंध पर सवाल किया गया तो भाजपा नेता का कहना था कि जिले के भाजपा नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है तथा कार्यकर्ताओं के कार्यों में भी बाधा अटकाई जा रही है। वहीं आपसी मनमुटाव के कारण कार्यकर्ताओं को शिकार बनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की समस्या को लेकर समय पूर्व पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को चेताया है, अन्यथा इसके परिणाम आने वाले विधानसभा में हो सकते हैं। वहीं विगत दिनों बड़ी संख्या में उज्जैन नगर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही ग्रामीण क्षेत्र में भी चहल पहल शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अपना रौफ दिखाना शुरू कर दिया है। हेलो शर्मा जी, मयंक गुर्जर बोल रहा हूँ, पत्रकार जी। एक पोस्ट आपने सोशल साइट पे डाली, क्या है पूरा मामला, काहे के लिए डाली आपने? नहीं, वो मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की और सोशल मीडिया के माध्यम से ध्यान आकर्षण कराया उनका कि अभी कार्यकर्ता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और कई वरिष्ठ नेताओं की अवहेलना हो रही है। जिले के जो निचले स्तर के नेता है वे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और उनके कार्य में बाधा बन रहे हैं। आपसी मन मुटाव के कारण कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैंने माननीय वी डी शर्मा जी भाई साहब का ध्यान आकर्षण कराया है। यदि आपकी जो है निभानी जाती बात है, क्या कदम रहेगा आपका, क्या करेंगे? मैंने माननीय वी डी शर्मा जी से सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया और जल्द भोपाल जाकर उनसे आग्रह करूंगा कि पूरे प्रदेश भर में आपने देखा होगा माननीय कैलाश जी भाई साहब राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन पदाधिकारियों के सामने बात रखी थी कि कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में उनके कार्यों में कोई कमी ना आए। क्या आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्या, जैसे अन्य कार्यकर्ता? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं, पार्टी हमारी माँ है, हम भारतीय जनता पार्टी धोखा नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है आपसी मन मुटाव चलता रहता है, पारिवारिक मामला है, परिवार में बैठ के निपटा लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।